हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज शैलेंद्र उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग की दीपावली का जो त्यौहार है वो किस प्रकार से मन रहा है परिवार के संग में, फटाफट से कमेंट्स में डालें। और उसके बाद में संजीवनी क्लासेस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर चल रही है थ्योरी क्लासेस धड़ाधड़, तो यहाँ पर आज भी हम फिर अगेन थ्योरी क्लासेस को लेकर के आ रहे हैं और टॉपिक रहेगा अपना लिवर सिरोसिस। तो सभी बच्चों के लिए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। और अपन टॉपिक शुरू करेंगे लिवर सिरोसिस। आज का अपना टॉपिक है लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कहीं से भी माइन्यूट क्वेश्चन आता है, समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं है पूरी एमएसएन उठ करके आपके पास में आ जाएगी, तो आपको ये भी नहीं सोचना है। ऐसा भी नहीं है कि उनको सारे के सारे सब्जेक्ट से बराबर कंडीशन में याद होने चाहिए। मान लीजिए कि आपके एमएसएन के अंदर गैस्ट इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर क्वेश्चन आया और उसके अंदर से लेवर सिरोसिस के अंदर एक बेस क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बात करूं इटोस सेल या स्टेराइड सेल्स किसमें पाई जाती है और कहां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है कमेंट सेक्शन में डालें फटाफट से, समझ रहे हैं बात को? और अगर बात करें कि कहां पाई जाती है, जिस ऑर्गन का आप नाम लेंगे उसमें भी कहां पर पाई जाती है, तो ये कुछ अटपटी सी चीज लग रही है, समझ रहे हैं बात को? अगर मैं बोलूं कि हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम में बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनता है जिसके कारण से वैसोडाइलेशन होता है, तो ये जो कुछ बेसिक कंटेंट बनते हैं जिनका आपको अपडेटेशन होना चाहिए। और बच्चों की बेहद मांग के ऊपर इन क्लासेस को लाया जाता है, थ्योरी सेशन की क्लासेस को, जिसको आपको ढंग से तरीके से समझना है, नोट्सों को मेंटेन करना है। तो जब भी संजीवनी सीरीज की क्लासेस को आप लें, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस को जब भी आप लें, तो इस टाइम पर आपके पास में अपना लैपटॉप या फिर जो भी यंत्र होते हैं, मोबाइल जो भी होते हैं जिससे आप पढ़ाई करते हैं बच्चों, संग में कॉपी और पेन हमेशा होना चाहिए, समझ रहे हैं? कॉपी और पेन होना चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए जो मेन है उनको आपको राइट डाउन लिखना है, राइट डाउन करना है। जो भी डायग्राम्स होते हैं वो मैं खुद बनाता हूँ, आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, ताकि आपको बेसिक चीज़ समझ में आए। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले लिवर सिरोसिस की। लिवर सिरोसिस के अंदर अपन के पास में पहला कंटेंट है कि लिवर सिरोसिस की डेफिनेशन की बात करें, लिवर सिरोसिस एग्जैक्टली यार है क्या? लिवर सिरोसिस एग्जैक्टली है क्या? तो आपको यहां पर रखना है आज इंफ्लामेटरी। हम कभी भी डेफिनेशंस को रटते नहीं है, हम डेफिनेशन को समझते हैं, समझ रहे हो? तो हमको रटी रटाई डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, हमको कंटेंटों को समझना है और अपने हिसाब से अपन को डेफिनेशन बनानी है। इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन होगा, डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्शन होगा, स्क्लेरोटिक रीजन का स्क्लेरोटिक, फाइब्रोटिक किस क्या चेंजेस आना, किन के अंदर आना, इन द हेपेटोसाइट सेल्स, साइट सेल्स। तो हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? इसको बोलेंगे अपन लोग लिवर सिरोसिस, समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर बेसिक जो टर्म आई है सिरोसिस का, ये अर्थ बताया मैंने आपको, अब हम बात करेंगे लिवर की। बेसिक एनाटॉमी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? ये आप लोग को अच्छी तरीके से पता ही होगी। अब बात करते हैं कि सर बिना एनाटॉमी पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम बिना एनाटॉमी को हम पढ़ेंगे, हम उस लेवल पर जाकर के पढ़ेंगे जहां पर आपको पूरी तरीके से एमएसएन समझ में आ जाए, चाहे तो बेसिक हो, चाहे तो माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे तो वो ग्रॉस एनाटॉमी हो, समझ रहे हैं बात को? तो कंटेंट 0 से लेके 100 तक का होगा, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? तो यहां पर आप जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दें तो, और शेयर भी करें, समझ रहे हैं बात को? हाँ बिल्कुल, आपके दिल के चिन्हों का भी आपको इस्तेमाल करना है, फटाफट से सबके सब अपने दिल के चिन्हों को भी भेजें। तो यहां पर मैं टॉपिक को शुरू कर रहा हूं, सबसे पहली बात ही करते हैं यहां पर हम सबसे पहली बात करते हैं कि ये है आपके पास में एक लवली ऑर्गन, और सबसे पहले मैं बेसिक चीज बनाता हूं, ये है आपके पास में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये क्या है आपके पास में?
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, समझ रहे हैं बात को? और ये इस प्रकार से आगे की तरफ कंटिन्यू चल रहा है, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इस प्रकार से अपन ने समझने के पर्पज से किया। यहाँ पर ये है आपके पास में अरोटा, क्या है ये है आपका इसमें अरोटा, और यहाँ से क्या आ रही है, ये रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंडिकेट कर रहा है बाय द मेसेंट्रिक आर्टरी और द सब्सिक्वेंटली स्प्लेनिक आर्टरी। ये इस प्रकार से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। तो रेड कलर जो बात कर रहे हैं वो क्या है, ये जो रेड कलर है ये सारा का सारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और अगर बात करें ये ब्लू कलर क्या है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का क्या है दोस्तों, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एम आई क्लियर और नॉट? ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके अंदर आपके सामने ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो चुका है और फाइनली क्या बन चुका है आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है। ये आपके पास में एक लवली ऑर्गन है, इसको बोल रहे हैं स्प्लीन, जिसे बोलते हैं आप लोग स्प्लीन। और ये आपके पास में इस प्रकार से क्या प्रेजेंट है, ये पैनक्रियास प्रेजेंट है, समझ रहे? अब यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल पैनक्रियाटिक आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं बात को? स्प्लेनिक आर्टरी के थ्रू स्प्लीन में ब्लड सप्लाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल यहाँ पर भी इसी सेम कंडीशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इस प्रकार से आपके पास में हिपेटिक वेन का फॉर्मेशन होगा, ये आपका वीन सप्लाई होगी, समझ रहे? अब ये सारा का सारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का जो ब्लड है, गौर से समझिएगा, जो सारा का सारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का ब्लड है वो कहाँ पर जा रहा है, कंटेंट यही है, वो सारा का सारा ब्लड कहाँ पर जा रहा है मेरे दोस्तों, ये जा रहा है लेवर के अंदर। ये जो लवली ऑर्गन बनाया है इसे क्या बोल रहे हैं अपन लोग, इसे बोल रहे हैं लेवर, समझ रहे हैं? तो इस लेवर में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सामने कहाँ पर आएगा, आपके सामने आएगा क्लियर कट कहाँ पर आएगा, ये आपके पास में आ रहा है पोर्टल वेन के थ्रू। किसके थ्रू आ रहा है, पोर्टल वेन के थ्रू। क्लियर कट बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये देखिएगा सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जा रहा है, ये पोर्टल वेन के थ्रू कहां पर जा रहा है। तो अब आप लोगों को क्लियर कट याद रखना है, ये जा रहा है आपके पास में लेवर में। अब बात करें कि हिपेटिक आर्टरी के थ्रू, ये देखिएगा ये आपके पास में हिपेटिक आर्टरी के थ्रू ये दूसरी ओपनिंग आ रही है, ये क्या आ रही है, हिपेटिक आर्टरी के थ्रू आ रहा है ब्लड। किसके थ्रू आ रहा है, हिपेटिक आर्टरी के थ्रू आ रहा है, समझ रहे? तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अपन लोग, वेट अ मिनट, यहां पर लिखेंगे अपन हिपेटिक आर्टरी, क्या लिखेंगे अपन लोग इसको, हिपेटिक आर्टरी, और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पोर्टल वेन, समझ रहे बात को? ये हो गया आपका आंसर पोर्टल वेन, और ये हो गया लिवर। लिवर के अंदर अगर बात करें, अब आप देखिएगा गौर से समझने की कोशिश करेगा, कंटेंट बहुत लॉजिकल है, बहुत क्लासिकल है, अगर समझे तो मजे आ जाएंगे, नहीं समझे तो फिर उसका बाद में बाउंसर जाएगा ये टॉपिक, समझ रहे? तो जो लिवर होता है ये ग्रॉस एनाटॉमिकली अगर अपन बात करें तो ये क्लासिकल लॉब्यूल्स का बना होता है मेरे दोस्तों। किसका बना होता है, क्लासिकल लॉब्यूल्स। क्लासिकल लॉब्यूल्स क्या होता है, अरे भाई क्लासिकल मतलब, क्लासिकल लॉब्यूल्स मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये क्लासिकल स्ट्रक्चर है जो कि हेक्सागोनल प्रोसेस के अंदर लिवर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहां पर ये इस प्रकार से मैंने क्या बनाया है, एक क्लासिकल लॉब्यूल्स बनाया है। अब इसको मैंने हेक्सागोनल क्यों बोला, इसको हेक्सागोनल बोलने का कारण यह है क्योंकि यहां पर कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो 6 कॉर्नर है, तो इसे क्या बोला, हेक्सागोनल। क्या बोला, हेक्सागोनल। और लॉब्स का नाम क्या है, क्लासिकल लॉब्स, क्लासिकल हेक्सागोनल लॉब्यूल्स के द्वारा लिवर की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। एम आई क्लियर ऑन नोट? अब बात करें कंटेंट को समझने की कोशिश करेगा, मैं रेड कलर जब भी लूंगा तो आपको याद रखना है रेड कलर हिपेटिक आर्टरी को इंडिकेट करेगा, और बात करें अगर ब्लू कलर तो ब्लू कलर पोर्टल वेन को इंडिकेट करेगा। हिपेटिक आर्टरी का ब्लड डायरेक्ट कहां से, अरोटा से आ रहा है, और पोर्टल वेन का ब्लड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ रहा है, आपके सामने लिवर के अंदर आ रहा है। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पे कि पोर्टल, अब आपको देखना है क्लासिकल हेक्सागोनल प्रोसेस के प्रत्येक लोब्स के प्रत्येक कॉर्नर पे, ईच कॉर्नर ऑफ क्लासिकल हेक्सागोनल लॉब्यूल्स के ईच कॉर्नर पे किसकी सप्लाई हो रही है,
गौर से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ सर यहाँ पर हेपेटिक आर्टरी की सप्लाई हो रही है। एम आई क्लियर और नॉट? देखिए मैं डायग्रामेटिकली ये चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासिकल हेक्सागोनल लॉब्यूल्स के पर इच कॉर्नर के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये हेपेटिक आर्टरी की सप्लाई हो रही है। संग में अगर बात करें पोर्टल वेन का ब्लड, बिल्कुल साफ पोर्टल वेन का ब्लड भी कहाँ पर जा रहा है, हर जगह पर जा रहा है। हर जगह मतलब पोर्टल क्लासिकल लॉब्यूल्स के पर इच कॉर्नर पे किसकी सप्लाई हो रही है, तो आप बोलेंगे पर इच कॉर्नर पे सप्लाई हो रही है किसकी, किसकी सप्लाई हो रही है पोर्टल वेन की। समझ रहे हैं बात को? तो ये इस प्रकार से मैं मेहंदी नहीं बना रहा हूं, त्योहार में आप लोग मेहंदी बनाए देखा होगा मकानों में, मेहंदी नहीं बना रहा हूं मैं, आपके सामने सप्लाई समझा रहा हूं। मैं ये बना रहा हूं कि क्लासिकल हेक्सागोनल लॉब्यूल्स है आपके पास में, सिक्स कॉर्नर है और ये यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिवर है, और इसके पर ईच कॉर्नर के ऊपर पोर्टल वेन की सप्लाई हो रही है, हेपेटिक आर्टरी की सप्लाई हो रही है। यही क्लासिकल मैंने यहाँ पर आपके सामने क्लियर किया है। अब यहाँ पर जो प्रत्येक के यहाँ पर जो बीच में प्रेजेंट होता है क्लासिकल हेक्सागोनल लॉब्यूल्स के, इसे बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं अपन इसे? सेंट्रल कैनाल, क्लियर। और यहाँ पर हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? अब मैं ऐसे बनाऊंगा तो क्या समझेंगे आप लोग? ये है हेपेटिक आर्टरी। ऐसे बनाऊंगा तो क्या समझेंगे आप लोग? ये है पोर्टल वेन। समझ रहे? तो हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, ये लीजिए हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, तो आप बोल देंगे हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है क्लासिकल लॉब्यूल्स के हर कॉर्नर पर प्रेजेंट है पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी। जैसे सब स्टूडेंटों की जबान पे एक ही नाम होता है, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस या उत्कर्ष क्लासेस। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से यहाँ के पर ईच कॉर्नर के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पर ईच कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। एम आई क्लियर और नॉट? अभी तक की ये बात आपको मैंने समझाने की कोशिश की। और यहां पर ये है बीच में सेंट्रल कैनाल। क्या है दोस्तों? ये है आपके पास में सेंट्रल कैनाल। सभी प्रकार की सेंट्रल कैनाल्स आपस में जुड़ रही हैं। गौर से देखिए क्या क्या चीज बना रहा हूं, ये क्लासिकल चीज बना रहा हूं, गौर से समझिएगा। ये देखिएगा मैं सभी प्रकार की सेंट्रल कैनाल्स को मैं जोड़ रहा हूं और ये सेंट्रल कैनाल को जोड़ करके क्लासिकल ओपनिंग बन रही है दोस्तों। ये क्लासिकल ओपनिंग बन रही है और इस क्लासिकल ओपनिंग को बोलते हैं क्या? हेपेटिक वेन। क्या है? हेपेटिक वेन। तो इस प्रकार से मैं बोलता हूं कि यहां पर अगर अपन बोले जो लिवर होता है, लिवर एक तिराहे की तरह वर्क करता है। किसकी तरह? तिराहे की तरह वर्क करता है। तिराहा मतलब चौराहा, मतलब जिसके चार रास्ते होते हैं उसे चौराहा कहते हैं, जिसे तीन रास्ते होते हैं उसको तिराहा कहते हैं। तो यहां पर तिराहे की बात कर रहे हैं अपन, तो ये देखिएगा आपके पास में तिराया बनाते हैं। ये आपके पास में इस प्रकार से लिवर बना दिया, ये बना दिया मैंने आपके सामने लिवर, और ये इसके क्या बना रहा हूं, तीन ओपनिंग बना रहा हूं। कितनी ओपनिंग बना रहा हूं? तीन ओपनिंग बना रहा हूं। एक ओपनिंग अब मैं लिखूंगा नहीं, अपने आप समझ जाना है। एक ओपनिंग रेड कलर मतलब हेपेटिक आर्टरी, अब मैं लिखूंगा नहीं। दूसरी ब्लू कलर की ओपनिंग मतलब, तो आप बोल देंगे पोर्टल वेन। क्या बोलेंगे आप लोग? पोर्टल वेन। और तीसरे कलर की ओपनिंग, ये लीजिए ये तीसरे कलर की ओपनिंग, इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। तो तीसरी ओपनिंग क्या होगी? अब बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको बोलेंगे अपन लोग क्या? हेपेटिक वेन। एम आई क्लियर और नॉट? कंटेंट को समझेंगे, समझ रहे हैं बात को? कंटेंट को समझना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। अपन कर रहे हैं आज लिवर सिरोसिस का पोस्टमार्टम, समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर ये तीनों ओपनिंग्स हो चुकी हैं, पोर्टल वेन की, हेपेटिक आर्टरी की, हेपेटिक वेन की। और ये क्या है आपके पास में? लिवर है जो कि क्या कर रहा है? तिराहे की तरह यहां पर एक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं बात को? अब आगे की तरफ चलते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये है आपके पास में क्या? ये है आपके पास में एक क्लासिकल चीज, और उसे बोला क्लासिकल, इसको अपन ने क्या बोला? क्लासिकल हेक्सागोनल प्रोसेस। क्या बोला? क्लासिकल हेक्सागोनल प्रोसेस और लोब्स। तो ये इस प्रकार से मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है, और ये यहां पर इस प्रकार से मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है, समझ रहे हैं बात को? तो इसको क्या बोलेंगे? इसके कितने कॉर्नर हो गए? एक दो तीन चार पांच और ये छह। कितने कॉर्नर हो गए? छह हो गए। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? मैं लिख देता हूं क्लासिकल हेक्सागोनल लॉब्यूल्स, समझ रहे हैं? और किसका यूनिट स्ट्रक्चर है?
आपके सामने यूनिट स्ट्रक्चर है लिवर का। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फटाफट से अगर क्लासेस पसंद आ रही हो तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट्स करने हैं या फिर आपको स्ट्रेंथ थम्स अप या फिर दिल का चिन्ह भेजना है, समझ रहे हैं। अब आगे की तरफ हम बात करें तो बीच में क्या है दोस्तों, बीच में ये रहा भैया, ये सेंट्रल कैनाल। क्या हो गया? सेंट्रल कैनाल। अब मैं बात करूंगा डायरेक्टली काम की, ये क्या है? अब सबके सब कमेंट सेक्शन में डालें फटाफट से, ये क्या है? तो आप लोगों को बोलना है साहब ये है क्या, क्या हिपेटिक आर्टरी। पर इस कॉर्नर पे मैं लिखूंगा नहीं बार बार इस चीज को। अब मैं पूछूंगा अगर ये क्या है, ये क्या है, तो आप लोगों को बोलना है साहब, एक बार में बोलना है साहब। अब तो हमको सबको पता है ये पोर्टल वेन है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर के आ रहा है, कहां लेकर आ रहा है, सॉरी लिवर में लेकर के आ रहा है। ये इस प्रकार से आपको, और ये क्या है, सेंट्रल कैनाल है। गौर से समझिएगा कंटेंट को, मैं ये कहना चाह रहा हूं जो सेंट्रल कैनाल होती है पर ईच कॉर्नर पे जुड़ी हुई होती है। ये क्या है, ये पर ईच कॉर्नर पे क्या हुई है, जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं बात को। तो ये पर ईच कॉर्नर से इस प्रकार से जुड़ी हुई है, एम आई क्लियर। ये देखिए पर ईच कॉर्नर पे इस प्रकार से जुड़ी हुई है, एम आई क्लियर। कंटेंट को समझना है, रटना नहीं है मेरे दोस्तों। तो ये इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे साइनुसाइडल स्पेस, समझ रहे हैं बात को। इसे क्या बोलेंगे अपन लोग, साइनुसाइडल स्पेस। मैं यहां पर लिख देता हूं ये क्या है, साइनुसाइडल स्पेस, साइनुसाइडल स्पेस। क्लियर कट, एम आई क्लियर और नॉट? तो इस स्पेस को क्या बोल रहे हैं, साइनुसाइडल स्पेस बोल रहे हैं, जो कि पर ईच कॉर्नर को सेंट्रल कैनाल से जोड़ रहा है। और सारी सेंट्रल कैनाल जुड़ करके क्या बनाएंगी, हिपेटिक वेन, याद रखिएगा। तो आपने अभी तक क्या क्या स्ट्रक्चर समझी, आपने समझा हिपेटिक वेन, पोर्टल वेन, हिपेटिक डक्ट, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिए थे, अभी क्लासेस ले रहे हैं हम कंटिन्यूसली आपके सामने, तो मैंने कई बार आपको लिवर का डायग्राम बना के दिखाया होगा और अभी दोबारा बता दूंगा मैं आपको। और अगर बात करें तो यहां पर आपके पास में हिपेटिक आर्टरी भी आ रही है। तो ये वर्ड आप लोगों के सामने कॉमन होते जा रहे हैं। अभी अपन ने क्लासिकल हेक्सागोनल लोब्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाई है और यहां पर साइनुसाइडल स्पेस बनाया है। अब कंटेंट पे ध्यान देंगे तो कंटेंट ये कह रहा है कि यहां पर क्या होता है भैया, यहां पर क्या होता है, साइन ये जो होता है इनके मध्य में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है, समझ रहे हैं। ये देखिएगा मैं कुछ बना रहा हूं, अभी आपको समझा दूंगा मैं। ये इस प्रकार से ये गैप बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं मैं, ये इस प्रकार से गैप बना रहा हूं, समझ रहे हैं। तो अब गौर से समझिएगा, अब कंटेंट को पूरा करता हूं, ठीक है। ये आपके सामने है अवेलेबल, ये आपके सामने है अवेलेबल साइनुसाइडल स्पेस, और साइनुसाइडल स्पेस से नीचे की तरफ, साइनुसाइडल स्पेस से नीचे की तरफ ये अपने पाया जाता है सब साइनुसाइडल स्पेस। इसे क्या बोल रहे हैं आप लोग, इसे बोल रहे हैं आप लोग सब साइनुसाइडल, सब साइनुसाइडल स्पेस, या फिर दूसरा नाम फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालें इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो इसे ही बोलते हैं अपन स्पेस ऑफ डिसे, क्या बोलते हैं, स्पेस ऑफ डिसे, समझ रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये वाला जो पोर्शन हुआ, इसे क्या बोला अपन ने, इसे बोला अपन ने साइनुसाइडल स्पेस, और उसके नीचे वाले को सब साइनुसाइडल स्पेस, समझ रहे हैं बात को। तो अब यहां पर ब्लड सप्लाई दिखाने का वक्त आ रहा है, क्या दिखाने का वक्त आ रहा है, ब्लड सप्लाई दिखाने का वक्त आ रहा है। तो जो पोर्टल, जो हेपेटिक आर्टरी का ब्लड है वो कहां से कहां जा रहा है मेरे दोस्तों, आप देखेंगे कि कहां से कहां जा रहा है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंट्रल कैनाल की तरफ जा रहा है। संग में यहां पर क्या है, यहां पर ओपनिंग प्रेजेंट है। तो गौर से देखिएगा, इस ओपनिंग से कभी ब्लड साइनुसाइडल से सब साइनुसाइडल स्पेस में जा रहा है, फिर सब साइनुसाइडल स्पेस से वापस से कहां पर आ रहा है, गौर से देखिएगा, साइनुसाइडल स्पेस में आ रहा है और फिर कहां पर जा रहा है, सेंट्रल कैनाल की तरफ जा रहा है। सेम इस कंडीशन की बात करूं पोर्टल वेन की, तो ये देखिएगा पोर्टल वेन का ब्लड भी आ रहा है सब साइनुसाइडल स्पेस से स्पेस ऑफ डिसे में जा रहा है, और समझ रहे हैं बात को। और यहां से भी ये क्या हो रहा है, वापस से कहां पर जा रहा है, क्लियर कट पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ जा रहा है। यहां तक बात अगर आप लोगों को आ गई हो, समझ में आ गई हो, तो फटाफट से थंब शेयर करें, आगे की तरफ बात समझने की कोशिश करिएगा। अब जो अमाउंट ऑफ ब्लड, प्लीज नोट द थिंग, जो अमाउंट ऑफ ब्लड पेरिफेरी से सेंटर ना जा करके और वापस से सेंटर टू पेरिफेरी जा रहा है, वो ही ब्लड है।
ये पोर्टल वेन हेपेटिक आर्टरी का ब्लड है जो कि पेरिफेरी से सेंटर जा रहा था, ये हुआ सेंटर, ये हुआ पेरिफेरी, तो पेरिफेरी से सेंटर जा रहा था, लेकिन अब वो सेंटर से पेरिफेरी जा रहा है, ये ग्रे कलर का बना रहा हूं, ये जो जा रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, इसको अपन लोग बोलेंगे क्या, लेम्फ, क्या बोलेंगे अपन इसे, लेम्फ, और यहां पर क्या प्रेजेंट होगी, लेम्फ डक्ट, तो ये जो तीसरी ओपनिंग हुई इसे क्या बोला, लेम्फ डक्ट, एम आई क्लियर और नॉट, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, दोबारा से देखेंगे और समझेंगे, देखिए ये है आपके पास में कौन सी स्ट्रक्चर, ये हो गई आपके पास में साइनोसाइडल स्पेस, और साइनोसाइडल स्पेस से नीचे की तरफ ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई दोस्तों, ये हो गई सब साइनोसाइडल स्पेस, इन दोनों में ओपनिंग है, अब पेरिफेरी से सेंटर की तरफ ब्लड जाने दो, बिल्कुल जा रहा है, कभी ये कहां पे आ रहा है, सब साइनोसाइडल स्पेस में आ रहा है, वापस कहां जा रहा है, वापस जा रहा है साइनोसाइडल स्पेस में, पेरिफेरी टू सेंटर, कौन सा ब्लड है, हेपेटिक आर्टरी का, नेक्स्ट नंबर पे बात करें, ये जा रहा है पेरिफेरी टू सेंटर, समझ रहे हैं, और ये इस प्रकार से आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं आप लोग, ये जा रहा है और ये आपके पास में कहां पर जा रहा है, कहां पर जा रहा है, पेरिफेरी टू सेंटर, लेकिन यही अमाउंट ऑफ ब्लड, गौर से समझिएगा, यही अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि पेरिफेरी से सेंटर ना जा करके सेंटर से अब क्या जा रहा है, पेरिफेरी जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिम्फ, और यहां पर कौन सी डक्ट प्रेजेंट है दोस्तों, लिम्फ डक्ट, कौन सी प्रेजेंट है, लिम्फ डक्ट, तो यहां पर कितनी ओपनिंग हो चुकी है, खुद ब खुद बताएं, एक हो गई आपके पास में हेपेटिक आर्टरी, एक हो गई पोर्टल वेन, और एक हो गई लिम्फ डक्ट, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर कंटेंट समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं, अब यहां पर बात करें, ये हो गई आपके पास में साइनोसाइडल, उसके नीचे की तरफ हो गई सब साइनोसाइडल स्पेस, और अब यहां पर क्या प्रेजेंट है मेरे दोस्तों, अब प्रेजेंट है यहां पर हिपेटोसाइट सेल्स, ग्रीन कलर की कौन सी सेल निकाल रहा हूं मैं, हिपेटोसाइट सेल्स, और इन हिपेटोसाइट सेल से क्या क्या ओरिजिनेट होगा, बिल्कुल यहां पर ही, और फटाफट से और बताइए कि हिपेटोसाइट सेल से क्या निकलने वाला है, अब ग्रीन कलर में जो मैं आपके ड्रॉ करूंगा आपके सामने, तो ये निकलने वाला है, फटाफट से आंसर आप फटाफट से पुट कर दें, क्या निकलने वाला है यहां पर रिलीज होगा, बिल्कुल डेफिनेटली बाइल, क्या होगा बाइल, कहां से कहां जा रहा है, दिशाओं का ध्यान रखना है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, तो यहां पर अब चौथी जो कंडीशन अवेलेबल हो गई इसे क्या बोला, बाइल, क्या बोला, बाइल, और डक्ट को क्या बोला, बाइल डक्ट, तो अब आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल लॉब्यूल्स के पर ईच कॉर्नर पे कितनी ओपनिंग हो चुकी है, कितनी ओपनिंग हो चुकी है, तो ये देखिएगा, ये हो गई तीसरी ओपनिंग बाइल डक्ट की, और ये हो गई चौथी ओपनिंग किसकी, लिम्फ डक्ट की, ये इस प्रकार से आपका डायग्राम अब नियर बाय क्या होने वाला है दोस्तों, कंप्लीट होने वाला है, पूरा होने वाला है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात, अच्छा चलो अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं एक बार और पूरा ड्रॉ कर देता हूं, ये आपके सामने लास्ट बार मैं पूरा ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, कंडीशन को समझिए, ये क्या है, ये है आपके पास में साइनोसाइडल स्पेस, साइनोसाइडल स्पेस के बगल में ये क्या है, ये है आपके पास में सब साइनोसाइडल स्पेस, तो ये क्या हो गया आपके पास में सब साइनोसाइडल स्पेस, अब आप बोलेंगे कि हिपेटिक आर्टरी का ब्लड कहां से पेरिफेरी से सेंटर जा रहा है, संघ में क्या जा रहा है, ये आपके पास में साइनोसाइडल स्पेस से होता हुआ, और ये वापस से कहां जा रहा है, पेरिफेरी टू सेंटर जा रहा है, अब ये भाई साहब क्यों पीछे रहेंगे, पोर्टल वेन के भी, पोर्टल वेन का ब्लड भी कहां चल रहा है, संघ में पीछे पीछे आगे पीछे चल रहा है, इस प्रकार से एम आई क्लियर और नॉट, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को उम्मीद करता हूं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड पेरी सेंटर से कहां जाने लग गया, अब पेरिफेरी जाने लग गया, ये ग्रे कलर का, इसे क्या बोला अपन ने, इसे बोला ही है अपन ने लिम्फ, और इसको क्या बोल दिया, लिम्फ डक्ट, क्या बोल दिया, लिम्फ डक्ट, अब बगल में क्या प्रेजेंट है, बिल्कुल ऑल ऑफ योर नोज वेल द फंक्शनल यूनिट क्या है, हिपेटोसाइट सेल, तो ये क्या है आपके सामने, हिपेटोसाइट सेल, और हिपेटोसाइट सेल से क्या रिलीज हो रहा है, हिपेटोसाइट सेल से बाइल निकल रहा है और वो सेंटर से पेरिफेरी जा रहा है, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए दो टर्म के बारे में, एक तो होता है सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन,
सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, फटाफट से आंसर को पुट करें, फटाफट से आंसर को पुट करें। मैं कई बार बता चुका हूं आपको, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल और सिफेलोकॉडल, ये तीन टर्म कई बार एग्जाम में आती है, तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है। सेंट्रीपिटल सीपी, सीपी मतलब अब उल्टा कर दो, सीपी आ रहा है, पहली टर्म क्या आ रही है सी, दूसरी टर्म क्या आ रही है पी, तो आप उल्टा कर देना है, पी टू सी, पी टू सी मतलब पेरीफेरी टू सेंटर, कौन कौन से फ्लो हो रहा है पेरीफेरी टू सेंटर, बस वही आपको पुट करना है। पेरीफेरी टू सेंटर हो रहा है रेड कलर का मतलब हिपेटिक आर्टरी, ब्लू कलर का मतलब पोर्टल वेन, सेंट्रीफ्यूगल इसका क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब सेंटर से कहां जा रही है कहानी, अब सेंटर से जा रही है पेरीफेरी, उसमें आ रहा है बाइल, और बाइल के संग में क्या आ रहा है ये आपके पास में लिम्फ डक्ट। क्लियर कट बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात? तो अब आप लोगों को मैं मैन्युफैक्चरिंग डायग्राम दिखाता हूं, लिए ये आपके सामने हमने, मैंने डायग्राम समझाए दोनों आपको, समझ रहे हैं, बेस कंटेंट क्लियर होना चाहिए सबसे पहली बात, और उसके बाद में मैंने आपको ये बताया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग आराम से, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, समझ रहे हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की तरफ बात करें, जब आप इसको नेट पे सर्च करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको एक कंडीशन समझ में आएगी, मैंने आपको पूरी बात समझा दी है, समझ रहे हैं, और ये है आपके पास में किसका, क्लासिकल हेक्सागोनल लोबल्स का स्ट्रक्चर, यहां पर इस प्रकार से आपके पास में परिच कॉर्नर पे क्या बन रहा है, पोर्टल ट्राइएड बन रहा है, क्या बन रहा है ये कई बार एनाटॉमिकल क्वेश्चन बन जाता है, पोर्टल ट्राइएड क्या होता है, क्या होता है पोर्टल ट्राइएड, और एक क्वेश्चन बन जाता है पोर्टल टेट्राएड, तो फटाफट से टेट्राएड, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में डाले ट्राइएड क्या होता है, टेट्राएड क्या होता है। देखो कंटेंट को समझने की कोशिश करो, हम अगर बात करें तो देखो ट्राइएड बना रहा हूं, अब मेरे को क्या पता, आप लोगों को सबको पता है, अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको ये लाल कलर के गोले का मतलब पता है, समझ रहे हैं, बाकी का कोई बोलेगा यार ये कैसे पता, मतलब मैं बोलूं कि ये क्या है तो तुरंत रेड कलर को आप बोल देंगे ये क्या है, हिपेटिक आर्टरी है। नेक्स्ट नंबर पे बात करें ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए, ये क्या है तो यहां पर आपके सामने ये है पोर्टल वेन, एम आई क्लियर और नॉट, अब आपसे सामने ये बोले कि ये क्या है तो बोलेंगे बाइल डक्ट, क्या है बाइल डक्ट, अब क्या बोलेंगे ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए ये लिम्फ डक्ट है, एम आई क्लियर और नॉट, यहां पर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, टेट्रा में एक एक्स्ट्रा जुड़ गई है लिम्फ डक्ट, टेट्रा में एक एक्स्ट्रा जुड़ गई है लिम्फ डक्ट, समझ रहे हैं बात को। अब आगे की तरफ चलते हैं अपन कंटेंट को लेते हुए, अब आपको देखना है इसके लिए नेक्स्ट नंबर पे ट्रांसवर्स सेक्शन, यहां से आपको आप पढ़ रहे हो इस समय क्या कंटेंट पढ़ रहे हो आप लोग, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लिवर, जिससे आप लोग क्या पकड़ लोगे, जिससे आप लोग लिवर सिरोसिस की बेस पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन पकड़ लोगे, ये मैं ट्रांसवर्स सेक्शन बना रहा हूं, ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में सब साइनसाइडल स्पेस, क्या हो गया ये साइनसाइडल स्पेस हो गया, और साइनसाइडल स्पेस से नीचे की तरफ ये क्या है, ये है सब साइनसाइडल स्पेस, समझ रहे हैं बात को, और सब साइनसाइडल स्पेस से यहां पर क्या बना दूंगा मैं, ये बना रहा हूं मैं हिपेटोसाइट सेल्स, क्या बना रहा हूं दोस्तों, ये बना रहा हूं आपके पास में हिपेटोसाइट सेल्स, डायग्राम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट से लाइक्स करें, फटाफट से दिल का कमेंट छोड़ें, मैं देख लूंगा अपने आप, समझ रहे हैं, फटाफट से कमेंट्स करें, क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, समझ रहे हैं। तो यहां पर आप लोग के सामने अब मैं बेसिक पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन को पकड़ने वाला हूं, तो यहां पर आपके सामने ये हो गया आपके पास में, कंटेंट को लिख देता हूं बच्चों में, ये हो गया है साइनोसाइडल स्पेस, समझ रहे हैं बात को, ये क्या हो गया है सब साइनोसाइडल स्पेस, सब साइनोसाइडल स्पेस, और इसके नीचे की तरफ क्या हो रहा है, इसके नीचे की तरफ आ रहा है जो आपको हिपेटोसाइट सेल्स का, अब यहां पर ओपनिंग कितनी है, यहां पर बार बार बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद हो, कैसे भूल जाओगे आप लोग, डायग्राम देखते ही आप लोग समझ जाओगे कि ये कंटेंट किसका है,
समझ रहे हैं बात को। तो ये आपके सामने इस प्रकार से मैं ये बार बार एक ही चीजों को बनाया जा रहा हूं, अब तो गलती मत करना, समझ रहे हैं। तो चारों कंडीशन आप लोगों को पता है, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, ये भी आपको पता है। तो यहां पर इस प्रकार से ये पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी का ब्लड इस प्रकार से आ रहा है और जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो ये आपको इसको क्यों छोड़ दूं बीच में, ये लीजिए साहब, ये भी आ गए, कौन आ गए, पोर्टल वेन साहब आ गए, कौन आ गए, पोर्टल वेन साहब आ चुके हैं। अब यहां पर देखिएगा, मैं क्लासिकल चीज बना रहा हूं, चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं जो कि पूरी लाइनिंग में अवेलेबल है, इसे क्या बोलते हैं जो कि पूरी लाइनिंग में अवेलेबल है, संग में, और समझ रहे हैं बात को। और एक और चीज बना रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं जो कि यहां पर अवेलेबल है। अरे क्या बात करते हो, देखो कंटेंट को समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, समझ रहे हैं। ये क्या है, बीच में भारत पाकिस्तान की क्या है, बॉर्डर लाइन सीमा है, समझ रहे हैं। तो ये मतलब एक जो पीले कलर या ऑरेंज कलर की लाइन है वो साइनसॉइडल स्पेस में अवेलेबल है, एक सबसाइनसॉइडल स्पेस में अवेलेबल है पिंक कलर की लाइन। फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालें कि ये क्या होती है, ये क्या होती है, कंटेंट को समझना जरूरी है। यहां पर कमेंट सेक्शन में डालें, ऑरेंज कलर की लाइन क्या है जो कि साइनसॉइडल स्पेस में प्रेजेंट है, और पिंक कलर की लाइन क्या है जो कि सब साइनसॉइडल स्पेस में प्रेजेंट है। तो दीज आर द क्लासिकल स्ट्रक्चर, क्लासिकल स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड कफर सेल्स, क्या बोलते हैं इसे, कफर सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स होती है। पुलिस वाले खड़े हैं, जितना ब्लड आ रहा है हर एक निगरानी में आ रहा है, ये इसको चेक कर रहा है, सारा ब्लड क्या हो रहा है, निगरानी में आ रहा है। बट फिर ये क्या है, ये क्या है, पिंक कलर की लाइन, पिंक कलर का जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है जो कि सब सेंसॉइडल स्पेस में अवेलेबल है, इसे बोलते हैं अपन इटोसेल, क्या बोलते हैं, इटोसेल, या फिर स्टेलाइट सेल, क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेलाइट सेल्स। क्या करता है, विटामिन ए का स्टोर, फैट सेल्स का स्टोर, फैट का स्टोर, ये क्लासिकल यूनिक फंक्शन है इसका, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर आप लोग के सामने कंप्लीट कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। लीजिए इस चित्र को भी मैं क्या करता हूं, पूरा करता हूं, समझ रहे हैं बात को। ये लीजिए अब आपके सामने ये जो डायग्राम है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, समझ रहे हैं बात को। अब बात करते हैं बेसिक पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन की। तो यहां पर क्या होता है, कॉज्ड बाय, अब यहां पर क्या हुआ, कॉज्ड बाय एनी टाइप ऑफ, अब आपको कलर चेंज कर देता हूं बच्चों, कॉज्ड बाय एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, कॉज्ड बाय एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, कॉज्ड बाय एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन की अगर अपन बात करें, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो, कॉज्ड बाय एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, मतलब मान लीजिए पेशेंट को क्या हेपेटाइटिस की कोई कंडीशन हुई, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रिगर्ड हो जाता है, कौन ट्रिगर्ड हो जाता है, ट्रिगर्ड द इटोसेल, कौन सी सेल, इटोसेल, जिसे ही क्या बोलते हैं, स्टेलाइट सेल्स, क्या बोलते हैं अपन लोग इसे, स्टेलाइट सेल। ये है खतरनाक चीज, ये क्या है, खतरनाक चीज, ये है खतरनाक चीज, समझ रहे हैं, ये एंग्रीनेस है, ये है सबसे खतरनाक चीज, के हाइपर एक्टिवेशन ऑफ स्टेलाइट सेल इज द कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। मैं बोलता हूं कि अपना जो खास दोस्त होता है, अपना जो खास दोस्त है वो ही आगे जाकर के क्या होता है, अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। क्यों, क्यों, क्योंकि अपन अपनी सारी पर्सनल बातों को उसके संग में शेयर करते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो अपन उसके संग में अपनी सारी बातों को शेयर करते हैं और सारे लीक पॉइंट्स अपन उसको बता देते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब क्या होता है कि उससे लड़ाई हो जाती है। डेफिनेटली लड़ाई होना तो नॉर्मल स्वाभाविक बात है, जहां पर इंसान रहते हैं वहां पर लड़ाई तो होती है, जैसे घर के अंदर रहेंगे एक ही घर में तो बर्तन तो बजेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि अपन ने अपनी सारी बातों को किसी पर्सन को बता दिया और वो ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, क्योंकि आपके लीक सारे पता है। यहां पर भी क्या है, यहां पर जो इटो सेल है सबसे अच्छी सेल है अपन के बॉडी के लिए, क्योंकि ये विटामिन ए का स्टोर कर रही है, यूनिक फंक्शन है, समझ रहे हैं बात को। अब ये क्या हुई, ये हाइपर एक्टिवेट हो गई, मतलब क्या हो गई, अब इससे अपनी क्या हो गई है, लड़ाई हो गई है, और जब इससे अपनी लड़ाई हो गई है तो क्या करेगा, ये इटो सेल्स क्या करेगी, फाइब्रोटिक चेंजेस लाना शुरू करेगी मेरे दोस्तों, क्या करेगी, फाइब्रोटिक एंड स्क्लेरोटिक चेंजेस लाना शुरू करेगी। कंसेप्ट को अगर आप समझने की कोशिश करें, अगर आप इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो मैं नेक्स्ट डायग्राम में समझाता हूं दोबारा से आपको, क्योंकि जो चीज आपको थ्योरिटिकली और डायग्राम से समझ में आएगी वो रटने से समझ में नहीं आएगी,
और यहां पर किया जाता है किसी भी कंटेंट का पोस्टमार्टम। तो ये है आपके पास में क्या, इटोसेल्स। क्या है भैया ये? इटोसेल्स हैं, समझ रहे हैं। और ये मैं बना देता हूं ऊपर के मामले का, ये लीजिए, समझ रहे हैं बात को। तो ये हो गई ऊपर वाले सबसेंसरियल स्पेस की कौन सी सेल्स, ये हो गई है आपके पास में इटोसेल्स। अब ये क्या हो रही है, हाइपर एक्टिवेट हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? हाइपर एक्टिवेट हो रही है। क्या बात है, हाइपर एक्टिवेट हो रही है, नहीं हो रही है? ये इसको देशी भाषा में बोले फड़फड़ा रही है। ये क्या कर रही है? फड़फड़ा रही है। और ये फड़फड़ाने के कारण से क्या होगा, ये प्रेशर देगी कहां पर? साइनोसाइडल स्पेस पे। मेरे दोस्तों गौर से समझिएगा कंटेंट को, यहीं से कंटेंट शुरू हो रहा है। ये है आपके पास में क्या, ये है आपके पास में साइनोसाइडल स्पेस। मैं मार्किंग दोबारा से कर रहा हूं। अब ये स्टेलाइट के प्रेशर के कारण से ये क्या होगा, ये साहब प्रेशर में आएगा, यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस बनेंगे। अब ये देखिएगा ये क्या हो रहा है, ये देखिए ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है ये? ऑब्स्ट्रक्शन। अरे क्या बात है, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, साइनोसाइडल स्पेस ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है। कंटेंट को समझने की कोशिश करिएगा, ये क्या हो रहा है, साइनोसाइडल स्पेस क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? ये देखिएगा मैंने साइनोसाइडल स्पेस को ऑब्स्ट्रक्टेड कर दिया है। ये आपके सामने ढंग से क्लियर कट अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो ये कितना नैरो हो चुका है, साइनोसाइडल स्पेस एकदम नैरो हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों? तो कंटेंट को समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये इस प्रकार से नैरोइंग हो चुका है साइनोसाइडल स्पेस। क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हाइपर एक्टिवेशन ऑफ स्टेलाइट सेल्स। और ये क्या बात है, समझ रहे हैं, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ स्टेलाइट सेल्स, फाइब्रोटिक स्क्लेरोटिक चेंजेस विद इन द हेपेटोसाइट सेल्स ऑल्सो, एंड दीज आर द नैरोइंग कंडीशन। व्हाट इज दिस? दीज आर नैरोइंग कंडीशन। अब यहां पर ओपनिंग किसकी हो रही थी भैया? यहां पर ओपनिंग किसकी हो रही थी? गौर से देखो, ये रही हिपेटिक आर्टरी, और किसकी ओपनिंग हो रही थी? ये रही पोर्टल वेन, समझ रहे हैं बात को। ये आपके पास में इस प्रकार से क्या आ रही है, पोर्टल वेन आ रही है, मैंने पीछे डायग्राम में बताया था अभी आप लोग को। और ये इस प्रकार से क्या आ रही है, ये हिपेटिक आर्टरी आ रही है एरोटा से। अब क्या होगा, ब्लड फ्लो एग्जैक्टली अगर मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूं, ये इस प्रकार से आ रहा था पोर्टल वेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आगे की तरफ रास्ता हो गया बंद। अब क्या होने वाला है, ये ब्लड यहीं पर कसर ली, ये इस प्रकार से यहीं पर इकट्ठा होने लग गया, समझ रहे हैं, इस प्रकार से ब्लड इधर इकट्ठा होने लग गया। इस कंडीशन को बोला पोर्टल वेन हाइपर टेंशन, पोर्टल वेन हाइपर टेंशन। अब ये आगे नहीं जाएगा तो कहां जाएगा दोस्तों? ये पीछे की तरफ जाएगा, और पीछे की तरफ नहीं जाएगा तो ये बगल में इस प्रकार से सीपेज होगा या कूद जाएगा। ये बगल में क्या है, झरना नहीं है, ये पेरिटोनियल कैविटी है। ये क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है। और ये फ्लूड क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, कहां से? सीपेज ऑफ फ्लूड, सीपेज ऑफ फ्लूड कहां पर? इन द सीपेज ऑफ फ्लूड इन द पेरी टोनियल कैविटी। और इस कंडीशन को क्या बोलने वाले हैं दोस्तों? इस कंडीशन को बोलने वाले हैं असाइड्स। क्या बोलने वाले हैं अपन लोग? असाइड्स। तो मैं यहां पर अगर बात करूं कि कॉज बाय द टाइप ऑफ इंफ्लामेशन, अगर किसी पेशेंट को मैं लिखता हूं पैथोफिजियोलॉजिक कंडीशन क्रम में, कॉज बाय इंफ्लामेशन किसी प्रकार का इंफ्लामेशन हो रहा है, इंफ्लामेशन, तो इसमें क्या होगा, इटोसेल्स बेसिकली क्या होगी, इटोसेल्स हाइपर एक्टिवेट होंगी। और जब ये इटोसेल्स हाइपर एक्टिवेट होंगी तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर आपके सामने क्या होने वाला है, साइनोसाइडल स्पेस ऑब्स्ट्रक्टेड होने, जो मैंने बताया उसी प्रकार से याद रखो, साइनोसाइडल स्पेस क्या होगा, साइनोसाइडल स्पेस ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। और जब साइनोसाइडल स्पेस क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, बैकफ्लो होगा और पोर्टल वेन हाइपरटेंशन होगा। क्या होगा? पोर्टल वेन हाइपरटेंशन होगा। और जब वो पोर्टल वेन हाइपरटेंशन होगा तो इसी कंडीशन में क्या होगा, असाइट्स होगा। यहां पर मैंने आपको क्लियर कर बता दिया कि क्या हो रहा है, असाइट्स हो रहा है। क्या हो रहा है? असाइड्स हो रहा है। अब देखेंगे आगे की तरफ, अगर अपन इसी असाइड्स की कंडीशन की बात करें तो असाइड्स कंडीशन में अगर आप लोगों से पूछ ले कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन
या फिर असिसमेंट क्या होगा, दोनों बताएं फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालें कि असिसमेंट क्या होगा, इंटरवेंशन क्या होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालें, फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालें। तो यहां पर आप लोग के सामने असिसमेंट में तो बोलेंगे आप लोग को एब्डोमिनल गर्थ को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। क्लोजली क्या करना है दोस्तों, ऑब्जर्व करना है, समझ रहे हैं बात को। और अगर बात करें कि इंटरवेंशन में क्या करेंगे तो एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे, पैरासेंटेसिस कर डालेंगे। करने से जस्ट बिफोर सबको पता है क्या करना है, यूरिनेट करने की सलाह देनी है। क्यों, टू प्रिवेंट ब्लैडर इंजरी। समझ रहे हैं, अब ब्लैडर में निडल हिट नहीं कर जाए, ब्लैडर इंजरी नहीं हो, इसके लिए यूरिन हल्का सा भी डायलेट नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस को करेंगे तो जस्ट उससे पहले ही 5 मिनट पहले यूरिन पास आउट करने की सलाह देनी है। तो मेरा आप लोगों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक बात बताओ कि जब यूरिनरी ब्लैडर ट्रॉमा होगा, अगर मान लीजिए किसी ने बेसबॉल के डंडे से और दिया खींच करके एक कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर पे, मतलब क्या हुई, ब्लैडर की क्या हुई, इंजरी हुई, तो इस कंडीशन में पेन रेडिएटिंग साइट कहां से कहां होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि साहब एक बात बताओ, स्टोन का पेन कहां से कहां होता है, सब बोलेंगे सर लंबर वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होगा, फ्लैंक एरिया में रेडिएट होगा। फ्लैंक एरिया मतलब होता है कमर का एरिया, समझ रहे हैं बात को, ये जो कमर दिखती है इस कमर को बोलते हैं फ्लैंक एरिया। फ्लैंक एरिया में रेडिएट होगा और कहां जाएगा, जाएगा मेल्स के अंदर टेस्टिस में और फीमेल्स के अंदर थाइस के एरिया में जाएगा, तो अपन इसको बोल देते हैं स्टोन का पेन। लेकिन मैं पूछ रहा हूं अगर किसी पेशेंट को ब्लडर ट्रॉमा इंजरी हुई है, चाहे तो वह निडल हिटल इंजरी हो या फिर अगर बोलो अपन ने क्या कर दिया है, बेसबॉल डंडे से किसी ने किसी को मार दिया है, मतलब टोटल कहने का इंसिडेंस कुछ भी हो, कंटेंट होना चाहिए कि ब्लडर ट्रॉमा इंजरी हो रही है। तो ब्लडर ट्रॉमा इंजरी में कहां से कहां जाएगा, खुद ब खुद कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे, कहां से कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लडर से कहां जाएगा, लेफ्ट शोल्डर कहां जाएगा, लोअर एब्डोमेन से लेफ्ट शोल्डर पे अगर पेन रेडिएट हो रहा है तो इसका मतलब ब्लडर ट्रॉमा इंजरी सस्पेक्टेड हो सकती है। हर प्रकार के मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन से पेन ओरिजिनेट होगा। राइट स्कैपुला पे जा रहा है, कहां जा रहा है, राइट स्कैपुला पे, कोलेसिस्टाइटिस का पेन, कौन सा पेन, कोलेसिस्टाइटिस का पेन। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि जो असिसमेंट में आपने असाइट्स को क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं कि यहां पर इस कंडीशन में क्या होगा। नेक्स्ट नंबर पे अब क्या होता है कि ये जो फर्स्ट डायग्राम को देखें तो यहां पर पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन होने की कोशिश करी तो ये पूरा का पूरा ब्लड ऑब्स्ट्रक्टेड यहां पर हुआ तो असाइट्स हुआ और पीछे की तरफ जाएगा। अब इसका मतलब इस पेशेंट में यहां पर स्प्लेनोमेगैली को लीड करेगा, यहां पर हेपेटोमेगैली को लीड करेगा, यहां पर पैनक्रियाटोमेगैली को लीड करेगा, यहां पर रेक्टम की वेसल्स को डायलेटेड कर देगा, रेक्टम की वेसल्स को डायलेटेड करेगा मतलब हेमराइड्स करेगा, यहां पर क्या करेगा, ईसोफेगियल वेरिएसिस करेगा, क्या करेगा, ईसोफेगियल वेरिएसिस करेगा। तो सारे के सारे साइन सिम्टम्स आप लोगों को यहां पर याद रखने हैं, समझ रहे हैं। तो यहां पर आगे की तरफ क्या करने वाला है, ये बैकफ्लो के कारण से ईसोफेजियल वेरिएसिस करेगा, क्या करेगा, ईसोफेजियल वेरिएसिस करेगा। तो यहां पर अगर पूछे कि क्या करेंगे आप लोग, इंटरवेंशन क्या करेंगे, तो कुछ भी करना है सिंगस्टेकन बैकिमोर ट्यूब के साथ करना है, किसके साथ करना है, सिंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब के साथ करना है। तो यहां पर आप लोग को पता होना चाहिए कि ईसोफेगियल वेरिएसिस कंडीशन में कौन सी ट्यूब को यूज करते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली बोलेंगे ईसोफेगियल वेरिएसिस कंडीशन में क्या यूज करते हैं अपन लोग, आप लोग बोलेंगे कि सिंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे बात करें कि नेक्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा हेपेटोरिनल सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम, हेपेटोरिनल सिंड्रोम, इसका मतलब किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई डायमिनिश्ड होने वाली है। क्यों होने वाली है, वैसो कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट के कारण से।
अब जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो जीएफआर दोस्तों कम हो जाएगी, जीएफआर कम हो जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट होगा जिसके कारण से एआरएफ होगा। इसका मतलब इस पेशेंट के अंदर ब्लड यूरिन नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएटिन इन वैल्यू क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। इसी को क्या बोलते हैं, हिपेटोरिनल सिंड्रोम। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे बात करें, यहां पर मिलेगी आप लोग को हिपेटो पल्मोनरी सिंड्रोम। क्या मिलेगा, हिपेटो पल्मोनरी सिंड्रोम। समझ रहे हैं बात को। अब इस कंडीशन में क्या होगा भैया, यहां पर क्या होगा साहब, लिवर सिरोसिस के पेशेंट के अंदर, लिवर सिरोसिस के पेशेंट के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगा जो क्या करेगा, वेजो डायलेशन करेगा लंग्स के एरिया में, जिसके कारण से क्या होगा, डिक्रीज्ड एरेशन होगा। डिक्रीज एरिएशन के कारण से हाइपोक्सिया होगा, हाइपर कैपनिया होगा, और इस कंडीशन को बोलेंगे ऑर्थोडिक्सिया। ऑर्थोडिक्सिया मतलब क्लाइंट सिटिंग कंडीशन में डिसिप्निक रहेगा, सिटिंग कंडीशन में डिसिप्निक रहेगा। समझ रहे हैं बात को। कंटेंटों को याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, हर जगह से क्वेश्चन बन रहा है, हर जगह से क्वेश्चन बन रहा है, तो कंटेंटों को आपको याद रखना है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो यहां पर इस पेशेंट के अंदर एस्ट्रोजन अनकॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट में चेंज नहीं होगा, एस्ट्रोजन की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब एस्ट्रोजन की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी तो इस कंडीशन में पेशेंट को स्पाइडर एंजियोमा होगा। क्या होगा, स्पाइडर एंजियोमा होगा। स्पाइडर एंजियोमा का मतलब छाती के ऊपर मकड़ी चलने लग जाएगी। नहीं भैया, छाती के ऊपर मकड़ी नहीं चलती है। समझ रहे हैं, छाती पे तो टेंशन ही टेंशन चलती है, कई प्रकार की टेंशन होती है जो कहां पर चलती है, हमारे छाती पे लेके चलते हैं अपन। समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि स्पाइडर मतलब मकड़ी के समान ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है स्पाइडर एंजियोमा किस में होता है, आंसर दे देते हैं लिवर सिरोसिस, आंसर सही हो जाता है। समझते हैं, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्पाइडर एंजियोमा इज कॉज्ड बाय द, तो यहां पर आप लोगों को देना है एस्ट्रोजन, तो ये आंसर देंगे आप संजीवनी सीरीज के द्वारा ही, उत्कर्ष नर्सिंग के क्लासेस के द्वारा ही, क्योंकि यहां पर मैं शैलेंद्र कर रहा हूं पोस्टमार्टम लगभग सभी प्रकार की बीमारियों का। तो कंटेंट को समझने की कोशिश करें, यहां पर पाल्मर एराइज्मा कंडीशन होगी। क्या होगी, पाल्मर एराइज्मा कंडीशन होगी। समझ रहे हैं बात को। और अगर आगे की तरफ देखने की कोशिश करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा हिपैटो एनसेफलोपैथी। क्या देखने को मिलेगी, एनसेफलोपैथी मतलब लिवर, लिवर गया जो गया ब्रेन को भी संग में लेके जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली कहानी की बात कर रहा है तो यहाँ पे। समझ रहे हैं बात को। तो हेपेटो एनसेफेलोपैथी का मतलब यहाँ पर जब पेशेंट का लिवर सिरोसिस होगा, उस पेशेंट को कंटिन्यूअसली क्या हो, उस पेशेंट को कंटिन्यूअसली ब्रेन में हेडक की प्रॉब्लम हो रही हो। क्या हो रही हो, हेडक की प्रॉब्लम हो रही हो, तो मतलब अलार्म बज गया है। सुबह उठने का अलार्म नहीं है ये वार्निंग साइन अलार्म है कि मतलब अगर किसी पेशेंट का लिवर खराब है और उसको कंटिन्यूअसली हेडेक हो रहा है, तो मतलब इट विल बी इंडिकेट द लिवर इन्वॉल्व इन द ब्रेन पैरेन्काइमल सेल्स कॉज बाय द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द अमोनिया। नॉर्मली कंटेंट की बात करूं तो हम लोग जो भोजन के अंदर प्रोटीन डाइट लेते हैं दोस्तों, ये जो हम प्रोटीन डाइट लेते हैं और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है इंटरस्टिशियल फ्लोरा के द्वारा, इंटेस्टाइनल फ्लोरा के द्वारा, किसके द्वारा, इंटेस्टाइनल फ्लोरा के द्वारा। लो भैया, इंटेस्टाइनल फ्लोरा के द्वारा ये आपके सामने क्या हो रहा है, ये आपके सामने मेटाबॉलिज्म हो रहा है और ये बना रहा है अमोनिया। समझ रहे हैं बात को। और ये अमोनिया किस में चेंज होगा, ये अमोनिया चेंज होगा यूरिया में, किसके द्वारा, यूरिया साइकिल के द्वारा, किसके द्वारा, यूरिया साइकिल के द्वारा। और ये यूरिया साइकिल कहां पर है दोस्तों, लिवर में है, इसे ही क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। तो अमोनिया कन्वर्ट इंटू यूरिया। समझ रहे हैं, अब लिवर खराब हो गया, अमोनिया कन्वर्ट नहीं होगा यूरिया में, अमोनिया बढ़ेगा कहां जाएगा, ब्रेन में, कहां जाएगा, ब्रेन में जाएगा, क्या करेगा, एनसेफेलोपैथी, और इसे ही बोलते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। क्या बोलते हैं,
हिपैटिक एंसेफलोपैथी, समझ रहे हैं बात को। यहां पर क्या करना है, अमोनिया NH3 है, इसके संग में कहीं से भी क्या दे दे, हाइड्रोजन आयन दे दे कोई, समझ रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन आयन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। अब यह हाइड्रोजन आयन कौन देगा, कौन देगा, ये देगा साहब अपन को लैक्टुलोज। क्या देगा, तो लैक्टुलोज क्या करेगा, पीएच को डिक्रीज करेगा, पीएच डिक्रीज होगी, हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होगा और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर अवेलेबल होगा, अमोनियम आयन बनाएगा, अमोनियम आयन ये एस्क्रेटरी फॉर्म होती है, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। संग में क्या करना है, मॉडरेट प्रोटीन डाइट देनी है, यहां से भी तो कमी करना शुरू करो, मॉडरेट प्रोटीन डाइट को प्रोवाइड करवाओ, प्रोटीन डाइट कम करनी है। संग में क्या करना है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा को इनहिबिट कर दे, बोला बस बहुत हो चुका तेरा काम, अब चुपचाप बैठ जा। तो इसको चुपचाप बैठाने के लिए कौन देंगे, नियोमाइसिन। तो यहां पर पूछे ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ लिवर सिरोसिस, तो नियोमाइसिन और लैक्टुलोज, समझ रहे हैं बात को। नियोमाइसिन क्या काम करती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कंटेंट को याद रखें, नियोमाइसिन करती है इंटेस्टाइनल फ्लोरा को इनहिबिट, और अगर लैक्टुलोज बोले तो पीएच को डिक्रीज, हाइड्रोजन आयन का फॉर्म्ड, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन, एंड इट इज द एक्सक्रेटरी फॉरम, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर आपको बेसिकली एक और आपके पास में, चलो ठीक है अभी मेन मेन चीजें हो गई, अब आप लोगों के लिए फिर से जरूरी सूचना, भूल ना जाना इस वाली बात को, और ये मत कहना बाद में कि हम लोग चूक गए। उत्कर्ष परिवार इस दीपावली के महान पर्व पे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के संग में लेकर के आ रहा है दीपावली महाधमाका ऑफर, 11 से 10 से 15 नवंबर 2023 तक, 10 से 15 नवंबर 2023 तक। फिर मत कहना कि हम लोग चूक गए, हम लोग भूल गए, याद रखिएगा डेट को, 10 से 15 नवंबर 2023 तक। उत्कर्ष की ऐप के ऊपर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के जितने भी आपको कोर्सेज अवेलेबल है उस पे अप टू 90% तक का ऑफ मिल रहा है, संग में मिल रही है फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज संग में आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, संग में सबसे बड़ा बुलेट मम्बा आपको ये दे रहा है, और वो क्या है कि 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, क्या दे रहा है, 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, एक स्टूडेंट को चाहिए उसका स्टडी मटेरियल। बचपन में हम लोग को क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए क्रैकल्स, हमको पटाखे चाहिए होते हैं, यहां पर क्या चाहिए, एक स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल। तो उत्कर्ष परिवार आप लोग के दीपावली के महान पर्व पे आप लोग के संग में खुशियां बटोरने के लिए आया है, और ये चीज दे रहा है अप टू 90% तक का ऑफ, टेस्ट सीरीज और 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, समझ रहे हैं बात को। हर प्रकार के कोर्स ले लीजिए, नॉर्थ साइड का कोर्स ले लीजिए ऑफर प्राइस 5500 रुपए, यूपीपीएससी स्टार्टर्स का कोर्स ले लीजिए ऑफर प्राइस 1500 रुपए, केजीएमयू का कोर्स ले लीजिए 1500 रुपए के अंदर, जीएनएम का कोर्स ले लीजिए 1000 रुपए के अंदर। पर डेट को याद रखिएगा, कुछ भी लें डेट को जरूर याद रख लेना, आज कौन सी डेट है, समझ रहे हैं बात को। तो सब कुछ मामला गड़बड़ होने वाला है, फटाफट से क्या करें, कोर्सेस को परचेज कर लें। नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को अब ऑफ करता हूं, कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्कर्ष, और संग में हैप्पी दीपावली, सेफ दीपावली, शुभ दीपावली।